एक्टिंग सिर्फ लाइन बोलना नहीं है, आपको अपनी हार्ड डिस्क तैयार करनी पड़ेगी। एक मैच्योर एक्टर और एक इमैच्योर एक्टर में क्या फर्क होता है? यही तो फर्क होता है। वो क्या करता है, एक इमैच्योर एक्टर क्या करता है, लाइनों को याद करता है और जब उससे कहा जाता है रेडी, वो एक हार्ड डिस्क ले लेता है, उसी में लाइन है, उसी में टेक्निक, उसी में सब कुछ डाल देता है। जब उससे कहा जाता है रेडी रेडी, तो वो उसी हार्ड डिस्क को खोल देता है और उसमें से 70% लाइनें गई हैं तो 70% लाइनें निकल जाती हैं। एक मैच्योर एक्टर क्या करता है, अपने हार्ड डिस्क को भरता रहता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जुड़ चुके हैं नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर से और मैं आपका अपना एक्टिंग मेंटर कृष्णा राज आज बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आ रहा हूं। मेरी जान ध्यान से देख लेना और आप पेपर और पेन भाई अपने साथ रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, नोट करते रहना। बात कर रहे हैं कि बहुत सारे एक्टर ने मुझसे क्वेरी की, कृष्णा सर एक ऑब्जर्वेशन पर वीडियो बना के दो, ऑब्जर्वेशन हमें समझाओ क्या होती है, कैसे हम अपने रियल लाइफ में या फिर अपनी रेगुलर रूटीन में ऑब्जर्वेशन को करें और कैसे हम जब करेक्टर बना रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करें चरित्र को बनाते समय। तो भाई इसी मुद्दे पर पूरी वीडियो है, पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, है ना, मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जर्वेशन को। तो भाई पहले ऑब्जर्वेशन पे बात करने से पहले हम समझते हैं ऑब्जर्वेशन होता क्या है। किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना ऑब्जर्वेशन है। हम रियल लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं और वो ऑब्जर्वेशन कैसे होती है, कोई आप गए एक दिन से थोड़ी हो जाती है, गए और आपको छोड़ दिया। बहुत सारी एक्टिंग क्लासेस में ये होता है कि जाओ ऑब्जर्व करके लेकर आओ कि करेक्टर क्या है, कैसे चलता है, उठता है, तो सिर्फ एक्टर जाते हैं, देखते हैं और पकड़ के ले आते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर एक्टर अंधा है फिर तो ऑब्जर्व नहीं करेगा। अगर भाई एक्टर अंधा है तो ऑब्जर्व नहीं करेगा है? आप तो कहते हैं सर ऑब्जर्वेशन के लिए देखना बहुत जरूरी है। नहीं, देखना तो जरूरी है। तो पांच सेंसेस मैंने आपको बताए हैं कि कौन कौन से, देखना, सुनना, स्मेल, टेस्ट और टच। ये पांच सेंसेस है जिसकी वजह से हम ऑब्जर्व करते हैं, किसी भी चीज को हम पकड़ते हैं और हमारे दिमाग में वो चीज जाके बैठती है, ऑब्जर्व होती है या सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है। तो रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम बचपन की बहुत सारी मेमोरीज को ऑब्जर्व करते रहते हैं। अभी बारिश होती है, बारिश की पहली स्मेल जब आती है, मिट्टी की सौंधी सौंधी स्मेल, हम बचपन में कैसे लौट जाते हैं, अरे यार बचपन में ऐसा होता था। तो क्या है, ये ऑब्जर्वेशन मेमोरी को क्रिएट करती है, आपकी रिकॉल कर देती है। तो भाई अब बात करते हैं, ये पांच सेंसेस है जिनकी वजह से आप करेक्टर को ऑब्जर्व करते हो। सिर्फ देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको सुनना इंपॉर्टेंट है, स्मेल करना इंपॉर्टेंट है, टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, टेस्ट को समझना इंपॉर्टेंट है और टच करना। तो कैसे काम करेंगे, तो पहली बात करते हैं हम देखना। तो आप जब करेक्टर को देख रहे हैं तो आप देखो कि आप करेक्टर में आखिर क्या क्या चीजें नोटिस करोगे, क्या क्या चीजें देखोगे, उस करेक्टर की क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करोगे। पहले पॉइंट की अगर हम बात करें क्या है, तो वो है कि भाई आप उसकी वॉक देखो, उठना बैठना देखो, है ना। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें और उसका मैनरिज्म देखो, ठीक है। तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो उसके जेस्चर देखो कि वो किस तरीके के छोटे छोटे हाथों से जेस्चर दे रहा है, फेशियल जेस्चर दे रहा है, तो किस तरीके की चीजें कर रहा है। या उसकी कॉस्ट्यूम देखो, उसका आउटलुक देखो, उससे उसे समझो तो कि वो कैसे चल रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज कर रहा है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जर्वेशन देखते समय आप किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे ऑब्जर्व करते समय कैरेक्टर को। दूसरा, सुनो यार, उससे बात करो जाके, सुनो कि वो बात कैसे करता है, उसकी स्पीच का पैटर्न कैसे है, वो कितने शब्दों के बाद वो पॉज ले रहा है, या उसकी स्पीच में टेम्पो हाई है, क्या वो बहुत स्पीड में बात कर रहा है, क्या वो बहुत वॉल्यूम देकर बात कर रहा है। कि जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये सारी वीडियो मैंने बना रखी है, देख लेना है कि क्या होते हैं ये टूल्स क्या होते हैं। तो भाई उससे बात करो जाके तो आपको स्पीच का पैटर्न समझ में आएगा। अब अगर वो करेक्टर है ही नहीं तो इमेजिनेशन से क्रिएट कर सकते हो। इमेजिनेशन अपने और आपने किसी करेक्टर को आपने ऑब्जर्व करा, उन दोनों को मिलाकर अपने सिस्टम से निकालोगे तब भी वो क्रिएट हो जाएगा, बराबर। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है टेस्ट। यार वो करेक्टर खाता क्या है, पीता क्या है, उसका टेस्ट क्या है, उसकी जीभ मतलब अगर क्या उसको बड़ा पाव पसंद है, अगर उसे रसगुल्ला खिला रहे हो तो उसके फेस पर देखो क्या एक्सप्रेशन आते हैं,
देना हो, किसी भिखारी को दे रहे हो, या अब किसी भिखारी को आपने क्या कहते हैं कोई चाइनीज डिश दे दी, उसे उसे घंटा समझ में आएगी, कहेगा फेंक देगा साला, क्योंकि उसकी जिप पे वो टेस्ट ही नहीं है। तो आप किन किन चीजों को आप ऑब्जर्व करोगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, कि वो खाता क्या है, पीता क्या है। उसके खाने पीने से आप खुद एक रसगुल्ला उठाओ, देखो फील करो, एक रसगुल्ला उठाया आपने, ब्लैक वाला रसगुल्ला, और आपने कैसे रखा, कैसे खाते हो आप, और जब खाते हो तो आपकी जीभ पर क्या टेस्ट आता है। हुआ ना, जलेबी, दही जलेबी खा रहे हो तो क्या टेस्ट आ रहा है। गोलगप्पे खाते हो और गोलगप्पे में एकदम ऊपर नींबू निचोड़ के, तो नींबू तक का टेस्ट आपको इस समय जीभ पे आने लगा होगा ना। जब आप इन सब चीजों को ऑब्जर्व करोगे, अपने अंदर ऑब्जर्व करोगे, बाहर से ऑब्जर्व करोगे, तभी तो आप क्रिएट कर पाओगे, तभी तो वो निकाल पाओगे अपने के टाइम पर। ये सब चीजें आपको अपने हार्ड डिस्क में डालनी पड़ेंगी। हार्ड डिस्क है और कुछ नहीं है, हार्ड डिस्क को सेव करते रहना पड़ेगा। तो टेस्ट क्या करता है वो बंदा, तो उससे आप उसके एक्सप्रेशंस आपको पता चल जाएंगे, यार वो ऐसी ऐसी चीजें खाता है, इस तरीके की चीजें खाता है, तो वो इस तरीके से रिएक्ट करता होगा। बहुत बार हम एक्ट करते समय, हमारे हाथ में कॉफी होती है तो, लेकिन हम कॉफी का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, हम उस टेस्ट को यूज ही नहीं कर पाते, हम तो बस लाइनें बोलते रहते। या कुछ खाते समय आप अपने एक्ट कर रहे होते हो ना, तो उस प्रॉपर्टी का आप मजा ही नहीं ले पाते हो। किसी एक्ट में आपने वाइन पिया, आप नहीं पीते हो, तो देखो ना आप बहुत सारी फिल्मों में आपने कैसे एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, तो वो टेस्ट ऑब्जर्व करना होता है। बराबर, चौथे पॉइंट की हम बात करते हैं तो वो है स्मेल। कि आप देखो, आप किन किन चीजों से आप, आपको स्मेल आते ही आप पता है, जो मैंने पहले बताया था ना, जैसे बारिश की बूंदें जब पड़ती हैं मिट्टी पर, तो सौंधी सौंधी स्मेल से आप अपने बचपन में लौट जाते हो। आप किसी रोड से जा रहे हो तो क्या होता है कि भाई अचानक से चिकन की स्मेल आ गई, रुक जाते हो, अरे यार कोई फिश बना रहा है, कोई चिकन बना रहा है, तुरंत स्वाद जीभ पे आ जाता है। तो ये सब आपस में कनेक्ट है, लाइन तो बहुत बात की बात है, ये सब प्रोसेस तो इंटरनल प्रोसेस है, लाइन तो खाली मुंह का प्रोसेस है। अगर लाइन नहीं भी बोलोगे तब भी ये सब कुछ एक्ट में आपके शामिल हो जाएंगे। बराबर, तो स्मेल कैसी है, अगर कोई बंदा है, गरीब बंदा है, तो उसकी स्मेल कैसी होगी, या वो एक भिखारी है तो उस क्या, वो कोई बहुत बड़ा जगुआर या बहुत बड़ा परफ्यूम लगा के तो नहीं घूमेगा ना। एक बिजनेस क्लास है तो उसकी बॉडी की स्मेल कैसी होगी, वो कैसे परफ्यूम यूज कर रहा है, कैसे, तो उससे स्मेल से उसके करेक्टर की आपको पता चलता है। कि यार अब आप ऑब्जर्वेशन करने गए बाहर, आपको एक करेक्टर मिला है कि यार मैं बिजनेसमैन हूँ, तो बाहर जाके देखो यार, कोई हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन होगा तो वो उसकी बॉडी में वो उसकी स्मेल अलग ही होगी, वो अच्छे परफ्यूम लगा रहा होगा, ऐसा थोड़ी है बिना चार दिन आए वो जाएगा ही नहीं। तो भाई स्मेल से आप अपने करेक्टर को ऑब्जर्व कर सकते हो। पांचवा मुख्य पॉइंट जो है वो है टच। यार टच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑब्जर्वेशन में। आपको पता ही नहीं, आप अपनी प्रॉपर्टी को, कॉस्ट्यूम को जब आप टच करते हो तो कैसा फील होता है, हर एक चीज जुड़ी हुई है। आप आपकी बॉडी पर कोई कॉस्ट्यूम आप पहन लेते हो और कॉस्ट्यूम आपको काट रही है, भाई तो आप कंफर्टेबल नहीं होगे ना, वो टच है यार। आप किसी प्रॉपर्टी को पकड़ते हो तो उसका फील क्या है, कप को पकड़ते हो उसका फील क्या है, ये सब चीजें मेथड एक्टिंग में जाती हैं। तो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेथड एक्टिंग के लिए। तो भाई ये पांच सेंसेस की सहायता से आप अपने करेक्टर को ऑब्जर्व कर सकते हैं या पकड़ सकते हैं। देखो आपको ना सिर्फ लाइनें बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक मैच्योर एक्टर और एक इमैच्योर एक्टर में फर्क क्या होता है वो समझ लीजिए। कि एक इमैच्योर एक्टर या अनट्रेन्ड एक्टर क्या करता है कि उसे एक उसके पास सिर्फ एक ही हार्ड डिस्क होती है, जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, उसके पास एक ही हार्ड डिस्क होती है, एक ही हार्ड डिस्क में एक ही जगह है जिसमें वो अपनी लाइनें 70% लाइनें याद करता है और दो चार टेक्निक वगैरह इमोशन वगैरह डाल दी जाती है उसमें, और जब उससे कहा जाता है एक्ट करो तो वो उसी हार्ड डिस्क को खोल देता है, तो उसमें 70% लाइनें गई है तो बाहर वही निकलेंगी ना। और एक मैच्योर एक्टर, एक ट्रेंड एक्टर क्या करता है, अपनी ट्रेनिंग के दौरान अपनी अलग अलग हार्ड डिस्क तैयार करता है। एक हार्ड डिस्क में अपने अपने इमोशन रख लेता है, एक में अपने रियल इमोशन रखता है, एक में इमेजिनरी इमोशन रखता है, एक में एक्टिंग टेक्निक्स रख लेता है, एक में टेम्पो रख लेता है, एक में रिदम रख लेता है, एक में सबसे आखिरी वाली में लाइनें रख लेता है। अब उससे कहा जाता है एक्ट करो तो वो क्या करता है,
पीछे से हार्ड डिस्क ओपन करना शुरू करता है। ये टनल है, ये एक सुरंग है। तो क्या करता है, इमेजिनेशन की हार्ड डिस्क ओपन करी उसने, फिर टूल्स की हार्ड डिस्क ओपन करी, फिर टेम्पो की हार्ड डिस्क ओपन करी, फिर सेंसेस की, फिर इमोशन की, उसके बाद फिर लाइनों की हार्ड डिस्क, सबसे एंड में वो लाइनों की हार्ड डिस्क ओपन करता है। अब ये जो लाइन है ये निकलती है उन सारी हार्ड डिस्कों में से गुजर के, तब जाके वो लाइन अपने आप, उनमें एक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है यार, वो रियल हो जाती है। लेकिन आप क्या करते हो, लाइनों को याद करा, तर 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 तर, बस बोल दी, हो गया काम खत्म, ना सेंसेस चलते हैं ना ऑब्जर्वेशन होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। भाई यार फॉलो कर दो, सब्सक्राइब कर दो, है ना, लाइक और कमेंट जरूर करो कि अगली वीडियो किस पर चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। बैकअप।